नेक्स्ट जो लैब करेंगे वो है वर्किंग विद फाइल्स। सो इसके लिए हम लोग फटाफट से अपनी लैब को स्टार्ट करते हैं। और जब तक ये स्टार्ट हो रहा है हम लोग वो वर्क स्ट्रीम को ओपन कर लेते हैं। लैब स्टार्ट होने के लिए कुछ टाइम लगता है, तो तब तक हम लोगों को वेट करना होगा जब तक ये रेडी फॉर्म में ना आ जाए। तो स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगते हैं, तो हम तब तक वेट करना होगा हम लोगों को, क्योंकि अगर रेडी ना हो तो हम काम नहीं कर पाएंगे। हो जाए ओके गाइस, तो लैब रेडी हो गया, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सो डिटेल्स में जाके हम लोग को फर्स्ट जो की है उसको डाउनलोड करना है एंड देन पब्लिक आईपी एड्रेस को कॉपी कर लेना है। देन हम लोग जाएंगे मोबाइल स्ट्रीम में, तो मोबाइल स्ट्रीम में हम लोग सेशन में जाके SSH देन जो रिमोट होस्ट हम लोग जो कॉपी किए थे आईपी एड्रेस वो कॉपी कर पेस्ट कर देंगे। देन इधर एक यूज़र नेम देना पड़ेगा, आप लोग जो चाहे वो दे सकते हैं। हम दे रहे हैं इधर C2 user। देन एडवांस सेटिंग्स में जाके जो हम लोग की डाउनलोड किए थे वो वाला की को अपलोड करना है। इधर ओपन ओके देन एक्सेप्ट ओके, हम लोगों को मोबाइल स्ट्रीम कनेक्ट हो गया। सो चलिए हम लोग लैब में जाके देखते हैं क्या करने के बोला है। क्रिएट अ बैकअप ओके, सो टार कमांड से हम लोग एक बैकअप क्रिएट करेंगे। सो टार कमांड बेसिकली होता है क्रिएट और एक्सट्रैक्ट आर्काइव फाइल्स। तो सबसे पहले हम लोग PWD करके चेक कर लेते हैं हम लोगों को वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। PWD ओके, हम लोग PC2 यूजर में है। देन बोला है कि टू वैलिडेट द कंपनी फोल्डर एग्जिस्ट ओके, हम लोग जो पिछले लैब में किए थे जो कंपनी वो वाला फोल्डर है कि नहीं वो चेक करने के लिए बोला है। ठीक है, हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके गाइस, सब है। देखिए क्योंकि हम लोग वो वाला लैब भी EC2 में किए थे इसीलिए सब सेफ है। ठीक है, ऐसे लिस्ट आ गया। अब हमको वो कंपनी ए का सब फाइल को बैकअप लेना है, तो बैकअप के लिए टार कमांड है। इससे हम एक न्यू आर्काइव फाइल बनाएंगे, तीन कॉम्प्रेस भी करेंगे, एक्सट्रैक्ट भी करेंगे, सब हो जाएगा इस कमांड से। तो इसको पेस्ट करते हैं। ओके, हो गया हम लोग सब बैकअप। तो अब एक बार एलिस करके देखते हैं। देखिए हो गया बैकअप डॉट कंपनी। सो नेक्स्ट हम लोगों को बोला है लॉग द बैकअप। सो बैकअप में लॉगिन करना होगा, तो इसीलिए हम लोगों को पहले कंपनी में जाना पड़ेगा। तो
पिछले लैब अगर आप लोग देखिए तो आप लोग जानते हैं कैसे जाना, एक फोल्डर में जाना होगा सी डी कमांड से, कंपनी हम लोग कंपनी में आ गए। सो इधर से हम लोग एक एम्प्टी बैकअप फाइल क्रिएट करेंगे, उसका नाम देंगे बैकअप सीएसवी बोल। तो फाइल कैसे क्रिएट करते हैं आप लोगों को अभी पता होना चाहिए, क्योंकि मैं पिछले लैब में भी बोल दिया, टच कमांड से फाइल क्रिएट होता है। अगर आप लोग मेरा जो वीडियो पिछले वीडियो फॉलो करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर लिया है, ओके। टू एड द डेट एंड फाइल नेम इंटर द फॉर्म, ओके। सो हम लोग कमांड मतलब डेट टाइम ऐड करेंगे उसके, तो इसीलिए ये कमांड यूज़ करेंगे। तो आप लोग डेट पैसे देना जैसा आपका है, हम इधर से कॉपी करके एडिट कर लेंगे कि आज का डेट, सो क्योंकि आज का डेट है 23, दिसंबर अच्छा मैंने गलती कर दिया, ट्वेंटी थ्री नहीं, ठीक है अभी इधर 23 करेंगे, अरे साल है 2023, वो भी कर लेते हैं। टाइम अभी मेरा तो दिखा रहा है 20, सो हम 20 कर देते हैं। ओहो ऐसा नहीं, हो गया, ओके ये रहा, देन एंटर। तो हम टाइम अच्छा वो 5 रह गया, ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग ठीक से देना। तो नेक्स्ट जो कमांड है डिस्प्ले द कंटेंट, मतलब हम लोग कंटेंट को व्यू करने के लिए कमांड होता है वो है कैट, कैट से हम व्यू करते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने बोला है, आप लोग देख सकते हैं मेरा पिछले वीडियो, अगर नहीं देखा तो इधर देख लीजिए कैसे भी होता। ओके देखिए, सो हम लोग जो बैकअप जो फाइल क्रिएट की तो उसके अंदर हम लोग ये लिखा था, वो वाला हम लोग देख लिया क्या था। सो नेक्स्ट हम लोगों को बोला है पीडब्ल्यू कर कंपनी में होना, ठीक है हम लोग पी डब्ल्यू डी करके देखते हैं आप कहाँ पर है। अभी हम लोग कंपनी ए में है, तो कंपनी ए से कैसे आएंगे, कंपनी ए में है ना, ओके हाँ कंपनी में, ओके। देन टू ट्रांसफर द बैकअप फाइल टू द आईए टीम कंप्यूटर, ओके। हम लोग अभी मूव करेंगे बैकअप फाइल को कंप्यूटर आईए करके टीम पर, इस कमांड को कॉपी करते हैं देन पेस्ट करते हैं, ओके मूव हो गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं, चेक कर टेस्ट, ओके देखिए दिखा दिया आए में, यही था आउटपुट। और इसके साथ हम लोगों को ये वाला लैब भी कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।